नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा इंडियन स्टेट्स और उनके कैपिटल्स की बात करते हैं। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे राज्य जिनके इतने खूबसूरत नाम हैं उनके मतलब क्या है? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन स्टेट्स एंड देयर मीनिंग्स। लेट्स स्टार्ट। हर स्टेट के पहले उनका एक पिक्चर दिया है, अगर आप गेस कर सको कि वो कौन सा स्टेट है देन वेल एंड गुड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणा का मतलब है डॉन, मतलब सुबह। आचल का मतलब होता है माउंटेन्स, मतलब अरुणाचल प्रदेश का मतलब है लैंड ऑफ लिट माउंटेन्स। ये सिंपल है, राइट? यस, इट्स आसाम। आसाम के दो मतलब है थियरिस्ट के हिसाब से। पहला है अहोम। अहोम पीपल थे जिन्होंने 6th सेंचुरी में आसाम रूल किया था। और दूसरा मतलब है अनइवन, यहाँ की रिवर वैलीज ये सब अनइवन है, इसलिए उसे आसाम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज वेल, इट्स गोवा। गोवा यूरोप से आया हुआ वर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू सम थियोरिस्ट इट्स मीनिंग कम फ्रॉम संस्कृत विच मीन्स गो मीन्स काव। वेल कहाँ की है? गुजरात, राइट? गुजरात लैंड ऑफ गुजर्स। गुजर्स जिन्होंने यहाँ 8th सेंचुरी में रूल किया था, इसलिए इन्हें गुजरात कहा जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट है बट कौन सा? यस, ये है हिमाचल प्रदेश, लैंड ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन्स। हिम का मतलब होता है बर्फ, स्नो, और आचल का मतलब होता है माउंटेन्स, सो इट्स हिमाचल प्रदेश। ये कौन सी जगह है? सोचो, ये है झारखंड, जहाँ झार का मतलब है फॉरेस्ट और खंड का मतलब है लैंड, और इसे कहते हैं फॉरेस्ट प्लेस। ये जगह जानी पहचानी है, राइट? क्या है? यस, राजस्थान, लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं का स्थान, राजस्थान। सोचिए कौन सी है ये जगह? ये जगह है यस तमिलनाडु। तमिल एक कम्युनिटी है और नाडु का मतलब है नेशन या होमलैंड, मतलब द होमलैंड्स ऑफ तमिल्स। कहाँ की है ये भगवान बुद्ध की मूर्ति? कहाँ है ये मंदिर? यस, ये है बिहार। पहले के ज़माने में इस जगह पर बहुत सारा बिहार हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के डायलेक्ट की वजह से उन्हें लोग बिहार कहने लगे। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये, कौन सी है ये जगह? यस, छत्तीसगढ़। 36 forts refers to 36 pillars of temples or 36 houses। तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ये है केरला। केरला का मतलब है लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, और दूसरा मतलब है संस्कृत वर्ड से आया हुआ केरलम, जिसका मतलब है लैंड एडेड ऑन। इसके पीछे परशुराम जी की बहुत अच्छी कहानी है। नेक्स्ट इज ये तो गुफाएं हैं। कहाँ की? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मतलब है ग्रेट डायनेस्टी, और इसे ग्रेट चैरियट के हिसाब से भी रिफ़र किया जाता है। कुछ लोग महा को मराठा से भी रिलेट किया करते हैं। तो ये थे कुछ खूबसूरत मतलब हमारे इंडियन स्टेट्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो दूसरे स्टेट्स के मीनिंग के साथ होंगे। थैंक यू, बाय बाय। जय भारत।